हाँ जी, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश हूँ और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूँ। आपका नंबर मुझे राम जी दुबे ने दिया है। अच्छा राम जी ने दिया है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। मुझे तो प्राउड फील होती है ऐसे ऐसे बच्चे को देख के। मैं क्या बोलूँ, मैं तो ये लड़ाई में ऐसे बैठी हूँ हरिद्वार में कि मेरी तो लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुका है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी स्पॉइल नहीं हुआ है। अब कलयुग जाकर सतयुग आने का समय आ गया है और सभी शक्तियां जो अपने अपनी जगह पे लड़ाई कर रही हैं, अब उनकी लड़ाई समाप्त होने का समय आ गया है। अरे आपकी जुबान में बस भगवान, इतनी ही सुनने के बाद पता है, यहीं सब बैठे थे संत लोग, अभी बात हो रही थी गीता घाट के सामने, मुझे बोले माता जी आप पागल हो गए, आप खुद जाके कपड़ा उठा रहे हैं, दो दो घंटा साफ कर रहे, क्या मिल रहा है आपको? आप क्या सोचते हो कि हो जाएगा सब? ये ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे लड़ लड़के उमा भारती से लेके सब चले ये गए। अब लड़ना नहीं है। आपने हाँ नए युग की सत्यनारायण कथा सुनी है क्या? नहीं सुनी हूँ, मुझे मुझे मैं क्या कि कर्म में ज्यादा, मैं ज्यादा काम नहीं करता हूँ नहीं जमीन नहीं में नहीं से। हाँ ये इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। जी, हाँ जी, नए हाँ युग जी, की सत्यनारायण कथा कह रही है। नए युग की इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये नए युग की सत्यनारायण कथा कह रही है। इसको सत्यनारायण कथा इसलिए कहा गया कि नारद मुनि उस समय जो है मृतलोक के विचरण में थे। उन्होंने देखा कि आदमी जो है नाना तरीके की यातनाएं भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, उसे कहीं खुशहाली नहीं है। तो इन सब बात से दुखी होकर हमारे नारद जी जो है वो वैकुंठ धाम पहुंच गए और उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि आपके मृत्युलोक में लोग नाना तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे कि उनकी यातनाएं खत्म हो जाएं। तो उस समय जो है विष्णु भगवान ने सत्यनारायण व्रत की बात बताई। और यदि आप याद करें तो सत्यनारायण व्रत में कहा गया है कि जैसे ही आप सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेते हैं तो प्रसादी से लेके हर चीज की व्यवस्था अपने आप हाँ हो हाँ जाती हाँ 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 हो जाती ये है। तो मैं भी करती थी। मैं क्या कि मैं इतनी अभी डिप्रेशन में चली गई, आपने बोले, मैंने बोला मैं नहीं जानती हूँ। एक्चुअली मैं भी सत्यनारायण कथा क्योंकि 9-11 बार मेरे घर में करती, पता है, ये इतने संत बैठ के मुझे डिमोटिवेशन करते हैं कि आप। अब आप जो है वो सब छोड़ दीजिए। ये कॉस्मिक एनर्जी से आप समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक ही तो आप हाँ समझ गई सही हैं कि मैं एक आईपीएस हूँ, सही पुलिस सही ऑफिसर हूँ। सही बात है। हाँ मतलब मैं जो है एक ब्यूरोक्रेट हूँ, पुलिस ऑफिसर जी हूँ जी और 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ। जी डीजीपी रेलवे रहा हूँ, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जी जी डिसास्टर जी मैनेजमेंट, एसडीआरएफ और आज डीजी। पता, मैं गंगा के पास बैठ के रो रही थी, बहुत मुझे कष्ट हुआ, अब इतनी कष्ट हुआ गीतांजलि मैंने। जी, अब आपका रोना समाप्त। आप इस वार्तालाप के बाद आप प्रसन्न हो जाएंगे, जी आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं क्यों रोई पता है मुझे, पता नहीं क्यों सभी आके बोल रहे हैं कि तुम क्यों आरटीआई लगा रहे हो, क्यों तुम सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल डालने के लिए प्रेस वार्ता रख दिए, बीजेपी पे। ये बात मैं कहूंगा कि मैं उल्टा कहूंगा कि आप जो कर रही हैं उसे करते रहिए और जो मैं कह रहा हूं उतना छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वो जो पीआईएल कुछ काम करेगी ना करेगी, हाँ जी, ये हाँ जी, सभी नेता बदल जाएंगे यदि वो सत्यनारायण की कथा का जो है कि जो उनको 2 अध्याय बताए गए हैं राजनेताओं के, यदि वो जी उनका पालन नहीं करेंगे तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से सभी राजनेताओं का विनाश काल आ रहा है। एक जी भी राजनेता जी नहीं बचेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं बचेगा। जी आपको ऐसी बात कहने वाला इसके पहले कोई नहीं मिला होगा। जी मिला आपको कोई? नहीं, नहीं मिला। तो सत्यनारायण की कथा पे वापस आ जाएं। तो हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए ये नए युग की सत्यनारायण कथा है। ये जी कह रही है कि आपको सिर्फ एक ही संकल्प और शपथ लेना है कि जी हमें अच्छा भारत चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के जी लिए, जी अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, जी बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब जी आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ तक कि आपको अपनी सोच नहीं बदलना है, अपना हाँ चिंतन नहीं बदलना है। जो भी जी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं लाना है जी आप। और आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, किसी का पुतला नहीं जलाना है, कोई धरना नहीं नहीं, देना है। करती भी नहीं हूँ मैं ये करती भी नहीं हूँ कभी, ये मेरी फितरत ही नहीं है।
नहीं, मैं आपके तारतम्य में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आम पब्लिक के तारतम्य में कह रहा हूँ। मतलब किसी को भी कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, उसे किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से ना मिलना है, ना ज्ञापन देना है, उसे किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं लगाना है जी। उसे जंतर मंतर पे जाके धरना नहीं देना है, रामलीला मैदान पे धरना नहीं देना है, उसे कोई रेल रोको नहीं करना है, कोई चक्का जाम नहीं करना है, सिर्फ इतने मात्र से कि उसने संकल्प ले लिया कि उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, सत्यनारायण भगवान की जो नए युग की कथा है इसके प्रताप से उसे अच्छा भारत मिल जाएगा। बताइए, इससे आसान और कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत आसान तरीका है। अब बताइए, पुरानी सत्यनारायण कथा में उनको जो है प्रसाद उसकी व्यवस्था करना पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था, राइट? जी, और जी। उसमें जब प्रसाद था तो प्रसाद छोड़ के चले गए, तो कई बार जो है सत्यनारायण भगवान उससे भी नाराज हो गए। तो ना तो इसमें कोई प्रसाद है, तो सत्यनारायण भगवान इसमें नाराज नहीं होंगे, ये बात एक फायदा ये भी है, ठीक है ना। सत्यनारायण भगवान सिर्फ एक ही व्यक्ति से इसमें नाराज होने वाले हैं, वो है राजनेता। हाँ, यदि वो राजनेताओं से कह रहा है कि भैया सत्यनारायण भगवान की जो हमने दो अध्याय की कथा आपके लिए बनाई है, दो अध्याय नेताओं के लिए अलग से बनाए हैं, वो कह रहे हैं यदि तुमने उनका पालन नहीं किया तो मैं, हे दुष्ट राजनेताओं, तुमको समूल नष्ट कर दूंगा जी। और ये समूल नष्टीकरण जो है 2029 तक हो जाएगा। जय हो, जय हो। राइट, तो आप सत्यनारायण की कथा को आगे बढ़ाएं। बढ़ाइए। तो सत्यनारायण की कथा ये कह रही है कि आपको सत्यनारायण कथा की को सुनने की पात्रता और पालन करने की पात्रता तभी पैदा होगी जब आप संकल्प और शपथ ले लेंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए। अच्छा भारत चाहिए। जिन दुष्टों को वर्तमान दुर्व्यवस्था में बहुत आनंद आ रहा है उनके लिए ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं बनी है जी। ऐसे व्यक्तियों को ना जगाना है जो अपने को अच्छा भारत नहीं देना चाहता है, ऐसे दुष्ट प्राणी को क्यों जगाना है, क्यों जगाना, सच्ची बात है। ठीक है ना। तो सत्यनारायण भगवान का पहला कथा कह रहा है, ये नए युग की कथा है, टेक्नोलॉजी वाली कथा है ये जी। ये वो लोगों को इकट्ठा करके और हवन करना, सामग्री करना, वो वाली कथा नहीं है, ये शुद्ध टेक्नोलॉजी, ये शुद्ध टेक्नोलॉजी की कथा है। ये कह रही है कि गीतांजलि जी, आप जो है अपना यूट्यूब चैनल खोलिए और उसमें जो है क्राइम फ्री भारत लिखिए जरा। अच्छा, हाँ, यूट्यूब कर दूंगी अभी। अभी ये कहेगी नेट नहीं है, इसमें खत्म हो चुका है, रूम में मैं किसी बाहर बैठी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो पहला अध्याय कह रहा है क्राइम फ्री भारत। हाँ, अपराध मुक्त भारत है ना जी। तो आप क्राइम फ्री भारत जैसे ही टाइप करेंगे और उसे सर्च करेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी जिसमें 6900 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये कह रहे हैं कि आपको महापरिवर्तित भारत कैसे मिलेगा। जी, सुनेंगे, आज ही सुनूंगे इसको। तो इसमें करना क्या है, पहले वो सुनो, सत्यनारायण की कथा तो ध्यान से सुनना है ना। वो कह रही है कि आप इसे सब्सक्राइब करिए और हर दिन संकल्प के साथ एक वीडियो सुनना पड़ेगा, और यदि जो वीडियो आपके मन के एकदम दिल को छू जाए, मन को छू जाए, आत्मा को छू जाए, ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको उसे खोजना ना पड़े, आप अपने लोगों के साथ बैठ के उसे सुनिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब बताइए, क्या कठिन है या सरल है? नहीं, बहुत सरल है। क्या है, खुद सुनिए और दूसरों को सुनाए, कम से कम सुनते सुनते कोई एक भी चेंज हो गया तब भी हमारा काम हो गया। आपको किसी को चेंज नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होगा। सत्यनारायण भगा कथा जो है नए युग की एकदम अद्भुत है। ये कह रही है कि आप जो है अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है उसके किसी भी वीडियो को आप खोलिए, उसके जो टाइटल के नीचे मोर लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा रहता है,
तो उसको क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, तो उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, इसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में दो लाइन लिखिए, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड लिखिए। इतनी कार्रवाई करने से सत्यनारायण कथा का दूसरी अध्याय समाप्त होता है। टोटल चार अध्याय ही है, चार अध्याय है। अच्छा अच्छा, दो अध्याय खत्म हो गया, दो अध्याय खत्म हो गया। अब आप बताइए गीतांजलि जी, इसमें कोई कठिनाई है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। अब तीसरा अध्याय है जो कह रहा है हाँ। कि हे मानो, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसको खोलिए और उसके नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है उसको क्लिक करिए। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, उसमें ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाई देगा जी। और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐप एक मैसेज को जनरेट करता है, एक आपकी खुद की आइडेंटिटी लिंक को जनरेट करता है। जो लोग भी उसके माध्यम से जुड़ेंगे उनके रेफरेंस में गीतांजलि जी का नाम आ जाएगा और गीतांजलि जी को 100 नंबर मिलेंगे उसको जोड़ने का। तो ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, कथा का ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही आप इसे खोलें तो अपने शब्दों में आपने जैसे मुझसे बात की, आपको जो लगा उस बारे में दो तीन लाइन लिख के अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए और उसे पांच लोगों को शेयर करना है, फिर बैक करके नए पांच को सिलेक्ट करिए, फिर बैक करके नए पांच को सिलेक्ट करिए। जब तक सभी ग्रुप और इंडिविजुअल्स खत्म ना हो जाएं तब तक भेजते रहिए। क्राइम फ्री भारत, आपका भी फोटो है इसमें? हाँ, हमारा फोटो है यूनिफॉर्म में, आ गया। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया, ये भी कर दिया। ग्रेट ग्रेट, तो मेरी दो यूट्यूब चैनल है, एनजीओ का ट्राई फॉर हेल्प, उसमें भी कर दूंगी और साध्वी गीतांजलि, इसमें कुछ डाली नहीं हूँ, इसको दोनों आईडी से कर ले रहे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर दी, बिल्कुल। गीतांजलि, सत्यनारायण कथा को बीच में बाधित मत करिए, सिर्फ चार अध्याय है, ठीक है ना? तो जब आप सभी लोगों को भेज देंगे, जिन लोगों से भी आप अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं या आप इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं, उन सबको जो है उसे भेज दीजिए, राइट? और जो व्हाट्सएप पे नहीं है, इस पे नहीं है, उनको आप शेयर ऑन एनी मीडिया के माध्यम से आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सब पे शेयर कर सकते हैं। तो इन दो के माध्यम से आप उसे भेज दीजिए। अपना एक संदेश छोटा नीचे जरूर जोड़ दीजिए और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के जितने भी लोग हैं उनके पास यदि भेज देती हैं, इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब चौथा और अंतिम अध्याय बचा है। तीसरा अध्याय कठिन है क्या? नहीं, पूरा जी है, ये तो सब हम लोग तो इसमें स्मार्ट है, ये तो हमें समझाने की जरूरत ना। फिर चौथा? अच्छा ठीक है, अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि बच्चों, जो अब तक आपने किया है, अब उससे भी सरल बात करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं। आपको 9 दिन का सरल उपाय करना है जिसमें 10-10 लोगों की सूची बनाना है और इस सूची में उनके नाम लिखना है जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी हैं, जिन संगठनों से भी आप जुड़े हैं, उनसे जुड़े 10 ऐसे लोगों को आपको पहचानना है 9 दिन तक, जो कि ऊर्जा है और अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहते हैं जी। और वो जो है सत्यनारायण की कथा के चारों अध्याय को पूरा करेंगे। बस इतनी सी जो है ना उसमें ध्यान रखना है। और जैसे ही आप जो है 9 दिन का ये सरल उपाय कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनको जो है ना आइडेंटिफाई करके इनको लिंक भेजना है और इनको सब्सक्राइब कराना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कराना है, फिर उसे जो है ऐप को भी डाउनलोड कराना है, फिर उसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे शेयर कराना है और फाइनली ये 10 लोगों की सूची बनाने का और ये 9 दिन का संकल्प आप जैसे ही पूरा करेंगे,
तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से आपका जो है ना सत्यनारायण कथा का भी समापन हो गया और नौवें दिन आप 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। कितने? 100 करोड़। और ये 100 करोड़ लोगों को कुछ नहीं करना है, छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर और उन्हें जो है आज के नेताओं से कहना है कि सत्यनारायण कथा के जो 2 अध्याय आपके लिए बने हुए हैं, हे दुष्ट राजनेताओं उनकी प्रतिपूर्ति कर दो, नहीं तो हे राजनेताओं सत्यनारायण भगवान के श्राप से तुम लोग समूल नष्ट हो जाओगे। तो राजनेताओं के जो 2 अध्याय हैं वो भी आपको सुना देता हूँ। सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी नहीं करना है, उनको तो दिमाग का उपयोग भी नहीं करना, दिमाग का उपयोग तो किसी को नहीं करना है, लेकिन राजनेताओं से कहा जा रहा है, हे राजनेताओं मैं जैसा कि अपने अन्य शिष्यों से कह रहा था कि ना तो आपको अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना ही आपको अपने दिमाग को तकलीफ देना है, ना अपने ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देना है। सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय का यदि आप पालन कर लोगे तो हे राजनेताओं तुम 240 से बढ़ के 500 पार कर जाओगे, तुम ही प्रधानमंत्री रहोगे, तुम ही मंत्री रहोगे। यदि तुम हमारी कथा के इन 2 अध्यायों का पालन नहीं करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। तो करना क्या है उनको, उनसे कहा गया कि आ तो आप एक नेशनल अथॉरिटी राष्ट्रीय अधिकरण बनाइए या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बनाइए। और मैथिली शरण गुप्त ने जो इसके मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बना के रखी है, इन्हें वो शक्ति दे दीजिए जिससे जिन महारथी लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है इन विशेष कामों में, उन सब चीजों से को जो है उनको जोड़कर ये इन मॉडल्स को पकाएंगे और उनको पकाने के बाद फिर 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लाइव चर्चा होगी। यहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है ना, और वो लाइव होगी तो हर कोई उसे सुनेगा, और फिर 45 दिन तक आम पब्लिक से भी उसकी लाइव डिस्कोर्स होगा, और जो भी चर्चा में चर्निंग में निकल के आएगा उसके आधार पर इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में वो रिफाइनमेंट किया जाएगा जो आवश्यक समझा जाएगा। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान के का जो है कथा का, राजनेताओं वाली कथा का 1 अध्याय समाप्त हो गया। अब 2 अध्याय में वो कह रहा है कि हे राजनेताओं 1 अध्याय के तहत जो भी चीज निचुड़ के बाहर निकलेगी, चर्निंग से जो चीज बाहर निकलेगी, हे दुष्ट राजनेताओं इसे पार्लियामेंट में पास कर देना, यदि तुम इसे पार्लियामेंट में पास नहीं करोगे तो समूल नष्ट हो जाओगे। ठीक है ना, तो अब ये जो है ना तलवार टांग दी अपन ने राजनेताओं के ऊपर के भैया नष्ट होना नहीं है, तो भैया कर दो ये छोटा सा काम, इसको कर दोगे तो 21 लक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकार के सहित यह भारत बदल जाएगा, यह सतयुगी भारत हो जाएगा, यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाएंगी, अंग्रेजों वाली नहीं रहेंगी, यहाँ के नियम कानून बदल जाएंगे, अंग्रेजों वाले नहीं रहेंगे, यहाँ पर कोई अपराध नहीं करेगा, अपराध करेगा तो बिना थाने जवाए कोई बटन दबाएगा तो एक वॉलंटियर अपने मोबाइल के साथ पहुंच जाएगा, उसकी FIR उसके घर में दर्ज हो जाएगी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना जो है ना कुछ किए पुलिस जो की जो क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन है वो पुलिस की इतनी मदद करेगा कि जिन साक्ष्यों को आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है उनका संग्रहण भी हो जाएगा, वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, राइट। और जैसा हमने कहा कि बटन दबा के FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसे ही इसमें एक और चीज भी है कि यदि कोई गलत FIR झूठी FIR करेगा, झूठी गवाही देगा, या पुलिस वाला झूठी विवेचना करेगा, यदि वकील जो है ना झूठी वकालत करेगा तो ये बहुत गंभीर अपराध होगा, ऐसी स्थिति में ये लोग जेल में सड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत दुष्ट तो यही काम धंधे में लगे हुए हैं, झूठी शिकायत करना, झूठी बदमाशी करना, झूठी नमकदारी करना, लगे है ना। तो सत्यनारायण भगवान ने सबकी प्रेरणा दे के रखी है कि सबका इलाज है, कोई चिंता नहीं करना है, इलाज सबका कर देंगे हम, अब आ गए ना हम, बोले अब क्या दिक्कत है, सत्यनारायण भगवान ही पहुंच गए, अब क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं कि भाई साहब अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा,
इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बनाया है, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। जी। तो फिर वो 17 हैं? क्या हो गया? अच्छा, ओके ओके, चलिए तो अब इसको वार्तालाप को अपने यहाँ बंद करते हैं, आगे की वार्तालाप बाद में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। गीतांजलि, अब फोन को हम इसको